नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ओके बच्चों, सो यहां पर 12x फर्स्ट टर्म है, 36 आपका सेकंड टर्म है, तो एक काम करते हैं 12x के फैक्टर निकालिए। सो 12x के फैक्टर, और कैसे फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। ओके आइए दिखाते हैं कैसे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर मतलब बच्चों इसको ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है जो नंबर्स खुद ही प्राइम नंबर हो। ओके, प्राइम नंबर मतलब जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हो या तो खुद से डिवाइड होते हो। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक, 4 एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, है ना, और 1 से भी हो जाएगा, यानी कि 2 से भी हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा, 1 से भी, तो ठीक है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर, क्योंकि 5 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो सभी बच्चों को पता होगा जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या तो 1 से, ठीक। अब देखो ये 12 है, इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप चेक करो कि ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक किया करो, 2 से, क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस सर, 2 6 जा 12 होता है, फिर से 6 क्या 2 से डिविजिबल है, यस, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, बस यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। सो 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, चेक कर लो ये 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 2 इंटू 2 इंटू 3 वापस क्या हो जाएगा, 12, तो 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 टू 4 इंटू 3, ओके, और इंटू में क्या लिखा हुआ है, x। नाउ 36 को देखिए बच्चों, 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए ये 36 है, इसके प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 18 जा 36 होता है, इतना तो सभी को पता होगा, 2 इंटू 18 36 होता है, तो 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 जा, फिर 3 1 जा, तो 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, करेक्ट। सो 36 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 36, ओके। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, 36 को पहले आप 12 इंटू 3 लिख लेते हैं ना, क्योंकि 12 3 से 36, और 12 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू में 3 तो है ही, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब बच्चों देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ओके। सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन है, तो हमने लिखा 2 कॉमा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसको भी ले लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने इसको भी ले लिया। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 कॉमा 2 एंड 3, ओके। उसके बाद ध्यान देंगे प्लीज, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ओनली 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 3 2 2 3, ये कॉमन फैक्टर है। अब सुनो, आपको आंसर ऐसे नहीं देना है, ना ना आपको आंसर ऐसे नहीं देना है, आपको जब कॉमन फैक्टर्स मिल जाए बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि हाँ भाई कॉमन फैक्टर ये है। कैसे हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सो हमारा जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा क्या पता है, हमारा आंसर होगा ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर आ रहा है, और वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं। आप बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये चीज़ कॉमन है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म में भी 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे भी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि जब आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए 2 2 3, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके तब आंसर लिखोगे, करेक्ट। सो 2 इंटू 2 इंटू इसको 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 मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 3 जा 12, सो द कॉमन फैक्टर इज 12, ओके बच्चों। तो ये आंसर मत बता देना कि कॉमन फैक्टर था 2 2 एंड 3, ना, ये आंसर है आपका, ठीक है, जब आपको कॉमन फैक्टर्स मिल जाएं जितने भी, सबको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल आंसर दे दो, करेक्ट। सो द कॉमन फैक्टर इज 12, ओके, नोट कर लीजिए।